गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं रोथनबुर्ग। रोथनबुर्ग एक सिटी है जो बवेरियन स्टेट में है। ये सिटी इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो टाउन है ये 1400 से प्रिजर्व्ड है। जो यहाँ की बिल्डिंग्स है वो काफ़ी पुरानी है। और मेन अट्रैक्शन जो यहाँ का म्यूज़ियम है वो है क्रिमिनल म्यूज़ियम, तो वो भी आज हम ट्राई करेंगे। अगर खुला होगा तो वहाँ पे हम जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कुछ जर्मन खाना भी खाएं। तो ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, काफ़ी छोटा सा है, बहुत पुराना लग रहा है। सो अभी जो आप ये देख रहे हैं ये नई सिटी है और यहीं से हमें जाना पड़ेगा आगे। तो ये यहाँ पे मेरा दूसरा टाइम है, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और बहुत ही सुंदर है। तो मैं फिर आया अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे। पिछली बार मैं यहाँ पे अकेला आया था, बट इस बार मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ चलते हैं और इसको जो ये टाउन है इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी हम जो वो आपको सामने दिख गेट सा, यही है जो पुरानी जो सिटी है यहाँ पे आल्टस्टाट, उसकी एंट्री है और वहीं जा रहे हैं हम। तो सामने जो आप ये वॉल देख सकते हैं ये पूरी सिटी के अराउंड है। ये जो यहाँ का जो भी किंग था उसने ये वॉल बनाई थी ताकि जो यहाँ की हेरिटेज है, जो सिटी की जो वाइब्स है वो प्रिजर्व कर सके। तो ये वॉल काफ़ी ऊँची है और ये है एंट्री। Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide, hide with me. अभी ये सामने जो है ये बिल्डिंग बैंक की है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये बैंक है, बट जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने ट्राई करा है कि जो भी जो हर बिल्डिंग है उसको एक जैसा ही रखें। तो जो बैंक भी है वो भी जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं वैसा ही बनाया गया है यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे बैंक के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको बैंक। बाहर से आपको लग रहा है कि नॉर्मल बिल्डिंग है ये, तो ये है एंट्रेंस। बाहर से ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी पुराना होगा, बट अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडर्न है। ये एटीएम है, खुल जा सिम सिम। रोथनबुर्ग में ऐसी पतली पतली गलियां आपको काफ़ी मिल जाएंगी, बहुत सुंदर गलियां। और यहाँ पे लोगों ने जो अपनी घर की बालकनीज हैं वो फूलों से सजाई हुई हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है। समर में वैसे भी यहाँ के जो जर्मन के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर काफ़ी ज़्यादा होता है और समर काफ़ी कम होता है, तो लोग जो हैं वो समर काफ़ी इंजॉय करते हैं। देख सकते हैं अपने घरों की। और ये सामने यहाँ की मेन चर्च, बहुत सुंदर है ये भी। यहाँ का बी पॉइंट बहुत सही है। सुशांत कैसा लग रहा है फिर रोथनबुर्ग में? भाई यहाँ पे जो फ्रेशनेस है, यहाँ पे जो फील आता है एकदम डिफरेंट है। आप काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे।
सैटरडे संडे अगर आप लोग घूमना चाहे तो रोदम्बर का आ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स है। यहाँ पे आपको पूरा वर्क स्ट्रेस, आपका जो भी स्ट्रेस है निकल जाएगा, एंजॉय करो। अरे यहाँ पे देखो जो घर भी है वो भी मतलब कितने कलरफुल है ना। हाँ यहाँ पे एक चीज देखिए मैंने, जो घर के ऊपर ना ग्रीनरी बहुत है, मतलब अलग से कॉन्सेप्ट है। और जो वाइब्स है, जो मतलब एक ओल्ड उसकी वाइब होती है ना, ओल्ड विंटेज विंटेज वाइब, वैसी वाइब दे रहा है। पी सकते हैं पानी, ये सो अभी हम आ चुके हैं जो यहाँ का बहुत ही फेमस प्लेस है। अगर आप जर्मनी टाइप करोगे गूगल में और इमेजेस में जाओगे तो आपको ये वाली फ़ोटो तो ज़रूर मिलेगी जो आपके सामने दिख रहा है, ये घर और ये जो फ्रेम है बहुत ही फेमस है। यही वो फ्रेम है जो बहुत फेमस है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं जुकर बेकराई में, यहाँ की बहुत फेमस बेकरी है और वहाँ पे हम खाएंगे स्नो बॉल। हेलो दिस इज स्नो स्नी बॉल, अल स्नी बॉल। ओके ओके एंड दिस इज विद पाउडर जुकर, सेम जुकर, वनीले, काकाओ, नूस और सिट्रोन। काकाओ काकाओ एंड दिस What is this? Vanilla. Yeah, vanilla. टेस्ट करना है दूसरा। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए थे, जर्मन रेस्टोरेंट में, काफ़ी भूख लगी थी और अभी ऑर्डर किया है हमने जर्मन डिश जिसका नाम है स्निट्सल, हैंशन स्निट्सल। वो चिकन की कुछ आइटम होती है, तो अभी जब आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आ गया स्निट्सल जो हमने मंगवाया था और ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ सैलेड है, कुछ मैश पोटैटो है और ये चिकन का पीस है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे जर्मनी में। इट स्मेल्स रियली गुड मैन। अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है ये। तो इसमें हमें लाइक चिकन का पीस है और इसको कोटिंग करके कुछ बनाया गया है और ये मैश पोटैटो विद लेटस एंड कैरेट। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट चलता है, लाइक सम टाइम व्हेन यू गो आउटसाइड एंड ईट नेशनल फूड इट्स गुड, लाइक यू कैन ईट सम टाइम। सो बहुत अच्छा है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग अ जर्मन डिश और फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है। प्रणीत का कट गया यहाँ पे। इसने ये मंगाया था इसके और ये आया इसको। प्रणीत कैसा लग रहा है? कट गया भाई, मेरे को ये बड़ा वाला लगा। कितने यूरो का था? 3.5 सबसे सस्ता है। चलो फिर तो बढ़िया, फिर कोई सीन नहीं। खाओ अब। तो अभी हम जा रहे हैं क्रिमिनल म्यूजियम और इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं लाइक इसमें ये डिपिक्ट किया गया कि जो जर्मनी में जब रूल्स वगैरह नहीं होते थे, लाइक जब यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम नहीं था, तो वो कैसे जो क्राइम वगैरह थे उसको सॉल्व करते थे और कैसे उसको टैकल करते थे। We will see inside. भी इधर आप देख सकते हैं जब कोई गुनाह करता है, जब कोई गुनाह करता है तो ऐसे ही सजा मिलती है। सर कलम करने की एक तरीका था इनका जर्मनी में। बीएसएन स्टूडेंट बीएसएन फियर लॉयटर म्यूजियम की और अभी हम पीछे जा रहे हैं म्यूजियम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चेयर, ये है टॉर्चर चेयर। गवर्नमेंट थी या कोई गवर्नर था उस टाइम, वो जब भी उन्हें लोगों से कोई आंसर वगैरह निकलवाने होते थे तो वो इस चेयर का यूज़ करते थे।
सिर्फ डराने के लिए यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि वो डराने के लिए यूज़ करा जाता है। ये यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्चर इन्होंने बुक वगैरह कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये है प्रोटोकॉल ऑफ टॉर्चर कैसे कैसे वो, तो मे भी इस बुक में दिखाया गया है कि आपको कैसे टॉर्चर करना है। वाह भाई, मतलब टॉर्चर करने के भी रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, और ये थ्योरी ऑफ टॉर्चर। बड़े क्रूअल है भाई जर्मन्स थे, आई डोंट मतलब अब तो ठीक है बट उस टाइम पे दे आर वेरी। और ये कुछ फांसी का फंदा लग रहा है बट क्या आपको कुछ लग रहा है क्या जी में? कमेंट्स में लिख के बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए क्या है, क्या सोचते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। काफ़ी जर्मन टेक्नोलॉजी लगाई है इसमें भी। ये 1724 की कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। चलो ये उस टाइम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो टॉर्चर करते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जैसे कोई अगर मर्डर करता है तो उसका सर काट दिया जाएगा, और अगर कोई चाइल्ड मर्डर करता है तो उसको डुबा दिया जाएगा, कोई चोरी करता है तो उसको फांसी दे दी जाएगी, कोई अगर विच क्राफ्ट वगैरह करता है तो उसको जला दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे ऐसे पनिशमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। अभी हम अंदर जाके आए क्रिमिनल म्यूजियम में, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होगी हमारे दिमाग में। लाइक मतलब क्या ही दिमाग लगाया उधर, टॉर्चर जस्ट फॉर टॉर्चर। कितने ज़्यादा क्रूअल थे, मतलब अगर आप चोरी भी करते हो तो भी हैंगिंग की सज़ा थी यहाँ पे। तो अभी घूमते घूमते इस पॉइंट पे आए, ये एक ब्रिज है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, और यहाँ से आप रोथनबर्ग शहर भी देख सकते हैं। अभी शाम हो चुकी है और अभी वापस जाने का सोच रहे हैं। तो इस सिटी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे दो बार आया हूँ, और अगर आप लाइक वन डे ट्रिप करना चाहते हैं म्यूनिक से या फ्रैंकफर्ट से तो आप आ सकते हैं। लाइक दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल और काफ़ी छोटी सिटी है, आप एक दिन में इसको कवर कर सकते हैं। तो जब आप इस सिटी में घूमेंगे तो आपको एक ओल्ड मेडिवल वाइब्स आएंगी, लाइक काफ़ी पुराने घर हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ। लाइक मेरे को तो पीस काफ़ी पसंद है। लाइक बड़े शहरों में आप जाओगे म्यूनिक फ्रैंकफर्ट या अदर सिटीज़ में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। ओवरऑल लाइक इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट and subscribe the channel. I hope you have had a wonderful time watching this video, and see you in the next video. Bye bye, take care. Just to hear your voice on the machine.